मोरबी हैंगिंग ब्रिज हादसे के मामले में गिरफ्तार सभी 9 आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। कल अदालत जमानत देने या नहीं देने पर अपना आदेश सुनाएगी। अदालत में सुनवाई के दौरान एफएसएल टीम की प्रारंभिक रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें बड़ी लापरवाही सामने आई है। मोरबी के सरकारी वकील विजय भाई जानीने ने बताया कि आरोपी की जमानत अर्जी की सुनवाई के दौरान एफएसएल की प्रारंभिक रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें मेंटेनेंस एवं सुरक्षा का जिम्मा और वह समूह को दिया गया था। 30 अक्टूबर को हादसे के दिन 3,165 टिकट जारी किए गए थे। टिकट देने वाले ने यह भी नहीं सोचा था कि अगर इतने लोग पुल पर गए तो क्या होगा। पुल पर 2 टिकट काउंटर थे और दोनों लोगों को पता नहीं था कि कितने टिकट दूसरे काउंटर से जारी किए गए। आपको बता दें, मोरबी हैंगिंग ब्रिज 30 अक्टूबर को टूटकर मच्छू नदी में गिर गया था, जिसमें 135 लोगों की जान चली गई थी। जी, उस बेल एप्लीकेशन के दौर पे हमने बताया नामदार कोर्ट को कि यहाँ प्राइमरी स्टेज पे ऊपर जो एफएसएल रिपोर्ट आया था उनमें 5 ऑफिसर्स की साइन थी। इसमें लिखा था क्लियर कट कि जो उनका जो रोप है वो मतलब वो रस्ट हो गया था और बहुत लंबे टाइम से उनको मेंटेन नहीं हुआ था। उनका एंकल टूटा हुआ था, उसके ऊपर जो बोल्ट लगते हैं वो 3 इंच से ज़्यादा खुले हुए थे। दूसरी बात, देवप्रकाश सॉल्यूशन जो फैब्रिकेशन का काम करता है उनको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं था, वो कोई टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं थे, फिर भी उनको ये काम दिया गया। 29 लाख से ज़्यादा अमाउंट का जो टाइम अमाउंट का जो काम दिया उसमें डिसमेंटल शब्द का यूज हुआ है, मतलब ब्रिज जो है वो पूरा खोलकर उसको फिर से रिनोवेट करना, ऐसा हमने नामदार कोर्ट को सबमिशन किया है। और इस मुसाब से हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि किसी को बेल आउट ना हो या बेल ना मिले। जी, अगले सभी एप्लीकेशन, पहले एक बेल एप्लीकेशन का हियरिंग हुआ था, उसके बाद 7 और आई और आज एक बेल एप्लीकेशन का हियरिंग हुआ, मतलब 9 एक्यूज की सभी की बेल एप्लीकेशन हमने हियरिंग कर ली है। और कल 23 को कोर्ट ने सब मैटर ऑर्डर प्रोनाउंस के लिए रखी, शायद कल ऑर्डर हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, टॉप स्टोरी न्यूज़।